महाराजगंज के ब्रजमनगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत शौराहा में बबलू नामक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि पूर्व ग्राम प्रधान के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा बबलू के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना 1 मार्च शिवरात्रि के दिन की है। बबलू पुत्र जगदीश को पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा एक व्यक्ति राजेश के माध्यम से बबलू को बुलाया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। इसी दौरान बबलू को गंभीर चोट लग गई। उसे बिना घर वालों को बताए कस्बे के एक चिकित्सक के यहाँ भेज दिया गया। हाँ, चिकित्सक ने सिटी स्कैन करके लाने की बात कही। सिटी स्कैन के बाद पता चला कि उसको गंभीर चोट लगी है। तब से महाराजगंज के लिए रेफर कर दिया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई, ऐसा परिजनों का कहना है। राजेश हमारे घर से हमारे देवर के ले गए, हम बोल रहे थे ओकर वाले जान के राजेश दिलीप तू जान के बहुत बड़ा सुना दिए घर के आदमी घर के आदमी हमारा देवर उसे देख के बोला ना कुछ कहा हां कि देखो ठीक है। बात ये हुई थी कि मैं अपना काम पे था, मेरी बहन घर पे अकेली थी और मम्मी बाहर बैठी हुई थी, तो एक लड़का आया बंटी नाम का, वो अंदर आया 5 बजे करीब, शाम को 5:15 बजे, और मेरी बाइक के साथ में मतलब छेड़ाखानी करने लगा। शोर मचाने पर वो अपनी घड़ी और चप्पल वहीं छोड़ गया कमरे में। उसके बाद में वो निकल के घर से भागा। मेरे को घर वालों ने फ़ोन किया, मैं आया, फिर मैंने उसके बाद में जो रिपोर्ट वगैरह जो भी थी वो मैंने करी। अच्छा, छेड़छाड़ हुई है क्या कोई रेप वगैरह? छेड़छाड़ हुई है। कहाँ की बात है? ये परिजनों द्वारा कोई मुकदमा लिखाया था एक्सीडेंट का। अब इनका आरोप है कि वो मुकदमा गलत लिखा गया है और इसमें एक्सीडेंट नहीं, हत्या हुई है, तो उनकी दूसरी तहरीर को विवेचना में समाहित करके इसमें जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको जेल भेजा जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।